हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरदविंदर। आज हम जावा नेटबीन्स में एक स्पीड कैलकुलेटर बनाएंगे। हम डिस्टेंस एंटर कर देंगे, टाइम एंटर करेंगे और स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। और उसके बाद हम कमेंट करेंगे, अगर ओवर स्पीड है तो मैसेज आ जाएगा कि ओवर स्पीड है। एक लिमिट रखेंगे, इस स्पीड तक आपने जाना है। इस स्पीड से अगर आप ओवर जा रहे हो तो ओवर स्पीड है, और अगर इस स्पीड से नीचे हो तो आप सेफ हो। तो उसके बारे में हम आज एक एक्टिविटी बनाएंगे जावा में, जिसमें हम सीखने वाले हैं इफ एल्स के बारे में सीखेंगे, और गेट सेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे, और एक्शन लिसनर कैसे लगाना है बटन पे, ये चीज़ें इस एक्टिविटी के ज़रिए हम सीखने वाले हैं, और जे फ्रेम कैसे बनाना है हमने। तो सिंपली प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी बना हुआ, अगर नहीं पता आप बता सकते हैं जी। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और न्यू प्रोजेक्ट खोलने के लिए, और सिंपल जावा क्लास और नेस्ट में जाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हो तो सेम प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हैं। मैं क्लास का नाम रख देता हूँ स्पीड कैलकुलेटर, स्पीड कैलकुलेटर और फिनिश। तो बच्चों, ये मेरा जे फ्रेम नहीं बना भी तो मेरा एक प्रोजेक्ट बनाओ। आपके पास अगर ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाओ तो उसी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर न्यू जे जावा फ्रेम फॉर्म खोल लेता हूँ, और इसका नाम रखता हूँ स्पीड कैलकुलेटर 1। ओके, तो ये फ्रेम बन गया मेरा। फ्रेम को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं सही भी है या नहीं। ये ठीक है। तो माय डियर, सबसे पहले तो पर आपने हेडिंग लिखना है, तो हेडिंग के लिए आप लेबल ले लो। स्विंग कंट्रोल्स के अंदर लेबल होता है स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ से आप लेबल ले सकते हैं, और यहाँ पे अपना हेडिंग दे दीजिए जो भी आप अपने एप्लीकेशन को देना चाहते हैं। मैं देना चाहता हूँ इसको स्पीड कैलकुलेटर, एडिट टेक्स्ट करता हूँ, इसका नाम लगता हूँ स्पीड कैलकुलेटर। तो माय डियर्स, इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं हम इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। फॉन्ट में जाते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं हम, और ओके कर देते हैं, क्लोज करते हैं। तो थोड़ा फॉन्ट और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए फॉन्ट में, ये 18 की जगह 24 करना चाहिए। ओके, गुड। तो ये हो गया अपना स्पीड कैलकुलेटर का हेडिंग रेडी। तो मैंने दो टेस्ट फील्ड लगाने हैं, उसके सामने लेबल्स लगाने हैं। पहले में मैं किलोमीटर्स में डिस्टेंस लिखूंगा, और दूसरे में मैं टाइम लिखूंगा, वो भी टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे उसमें। वो मिन हम आवर्स में लिखेंगे कि कितने घंटों में, या मिनट्स में लिख सकते हैं। अगर मिनट में लिखते हैं तो उसको पर किलोमीटर आर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्टेंस देख लेता हूँ कि पर्सन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लो एक ट्रैफिक पुलिस के लिए बना रहे हैं, उन्होंने एक डिस्टेंस डिसाइड कर लिया कि ये एक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इतने डिस्टेंस में एक कितने मिनट में कोई भी जो व्हीकल है, कितने मिनट में ये दूरी तय कर रहा है, तो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके हम डिसाइड कर लेंगे। अगर तो हमारी जो स्पीड है, स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर है, अगर तो उसके अंडर है तो पर्सन सेफ जोन में है। अगर 50 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रहा है तो वो ओवर स्पीड है, तो उसका हमने उसको फाइन करना है, चलान उसका बनाना है। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर तैयार कर रहे हैं सपोज। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक लेबल, जो हेडिंग देंगे हम यहाँ पे लेबल, या थोड़ा सा ऊपर सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर, के एम मतलब किलोमीटर, और उसके सामने मैं टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स ये लगा देते हैं, और इसको आप राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके खाली कर दो। इसमें हम भरेंगे किलोमीटर्स में, उनकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, दोनों इकट्ठे सेलेक्ट कर लेते हैं, और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। इकट्ठे कर लेंगे तो दोनों की अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके बाद फॉन्ट में चले जाते हो, 18 कर देते हो, इसका बोल्ड कर देते हो, और ओके क्लोज। तो बच्चों, ये थोड़ा साइज़ इसका कम कर देना है, सॉरी इसका साइज़ थोड़ा मैं कम करना है। यहाँ पर हमने किलोमीटर में लिखना है। तो इसके लिए बाद हमने डिस्टेंस तो लिख दिया, इसके लिए बाद हमने टाइम के लिए 50
फील्ड बनाना है, इसी को कंट्रोल दबा के शिफ्ट के साथ दोनों इकट्ठे सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे डुप्लीकेट की ऑप्शन आ जाती है, इसका डुप्लीकेट हो गया। और इसको एडिट टेक्स्ट कर देता हूँ, इसका लिख देता हूँ मैं टाइम इन आवर्स, कितने घंटों में, ये स्पीड मिनट्स में ले लेते हैं हम, थोड़ा डिस्टेंस है तो मिनट्स में तय हो जाएगा, या 1-2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस रखेंगे तो मिनट्स में हम इसको एंटर करेंगे, टाइम को हम मिनट्स में एंटर करेंगे। तो थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, यस टाइम इन मिनट्स, टाइम मिनट्स में एंटर करेंगे। उसके बाद स्पीड अपनी कैलकुलेट हो जाएगी, तो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना, इसके लिए लेबल लगा देते हैं दोनों, ऐसी की कॉपी बना लेते हैं, फिर से उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, इसकी कॉपी बना लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो इस पे हम करेंगे एडिट टेक्स्ट स्पीड, तो जो स्पीड होगी अपनी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, इसके लिए भी लेबल ही लगा देते हैं, इसकी एक कॉपी और बना देते हैं हम, कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है, तो इसको उठा के यहाँ पे इसके सामने फिट कर देता हूँ। यहाँ पे स्पीड हम डिस्प्ले करवाएंगे, अभी कोई स्पीड नहीं है, जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे उस पे ये एक्शन परफॉर्म करके स्पीड कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, जो स्पीडो कैलकुलेटर है अपना। तो उसके बाद एक बटन लगाना है, जिसपे क्लिक करने पर ये सारा एक्शन परफॉर्म होगा, तो इसके लिए आप बटन लगा दो यहाँ पे सेंटर में, और इसका नाम रख देते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट। इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, फॉन्ट में जाना अपने, फॉर्मेट में प्रॉपर्टीज में जाके फॉन्ट के अंदर 18 और बोल्ड कर देते हैं, ओके क्लोज। तो उसके बाद हमने नीचे रिमार्क्स प्रिंट करवाने हैं कि ओवर स्पीड है या अंडर स्पीड है, इसी की कॉपी बना लेता हूँ कंट्रोल सेट कंट्रोल बी से, और उसके उठा के यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम रिमार्क्स प्रिंट करवाएंगे, तो क्या रिमार्क्स आने वाले हैं ये डिपेंड करता है स्पीड पे, तो फिलहाल मैं इसको भी ब्लैंक ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं इधर को, या तो बच्चों शुरू करते हैं काम। किलोमीटर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, टेक्स्ट में होते हैं यहाँ पे, मिनट्स में भी टेस्ट में होते हैं, तो जो हमारी कैलकुलेशन है वो न्यूमेरिक पे होती है, तो इसलिए जो वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे वो टेक्स्ट में एंटर होगी। बेशक आप नंबर सी एंटर कर रहे हैं, डिजिट्स ही एंटर कर रहे हैं, पर वी नीड टू कन्वर्ट दैम इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो उनको कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि हम जो न्यूमेरिक ऑपरेशंस हैं जैसे डिवीज़न करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, तो न्यूमेरिक पे होनी है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के बाद जो भी स्पीड निकलेगी यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, और इस बटन पे क्लिक करने के बाद ही सारा एक्शन परफॉर्म होगा, यहाँ पे स्पीड के अकॉर्डिंगली रिमार्क्स देने हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनके मैं वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इजी होएगा। चेंज वेरिएबल मैं इसका नाम रख लेता हूँ डी, डी मीन्स डिस्टेंस, सॉरी इसका नाम हम डिस्टेंस ही रख देते हैं, क्योंकि हमें बाद में वेरिएबल चाहिए और वेरिएबल्स भी चाहिए हमें, तो उस डी नाम के और वेरिएबल भी चाहिए, जिसमें हमने डिस्टेंस रख देता हूँ इसका नाम। इसका नाम रख लेता हूँ मैं टाइम, ध्यान रखना बच्चों टी और डी, डिस्टेंस का डी मैंने कैपिटल रखा और टाइम का टी कैपिटल रखा, ये इंपॉर्टेंट होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ स्पीड, और इसका नाम रख लेता हूँ रिमार्क्स, क्या नाम रखें आपने ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँ तब एक्शन परफॉर्म करना, इवेंट एक्शन परफॉर्म पे क्लिक करेंगे हम, तो हम आ गए हैं सीधा बच्चों कोडिंग में, कोडिंग में आ गए हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मुझे तीन वेरिएबल चाहिए डबल डेटा टाइप के, तो मैं लेता हूँ डबल। पहला वेरिएबल चाहिए मुझे किलोमीटर गेट करने के लिए, तो मैं उसके लिए डी लेता हूँ डिस्टेंस। दूसरा मुझे चाहिए टाइम टाइम गेट करने के लिए, तो उसके लिए मैं लेता हूँ मिनट्स में टाइम कलेक्ट करने के लिए, उसके लिए लेता हूँ टी। और उसके बाद मुझे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं स्पीड कैलकुलेट करूँगा, उसका ले लेता हूँ नाम एस। तो मैंने तीन वेरिएबल्स ले लिए डबल डेटा टाइप की। सबसे पहले मैं डिस्टेंस गेट करूँगा और उसको डबल में कन्वर्ट करके डी में स्टोर करना है, तो मैं लिखता हूँ डी इज इक्वल टू, याद रहिए मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर दिया था, डिस्टेंस डॉट गेट टेस्ट। देखिए बच्चों यहाँ पे आ रही है एरर, एरर का मीन क्या है, इनकम्पैटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट कन्वर्टेड टू डबल, बिकॉज जो डी है अपना
वो डेटा टाइप उसकी डबल है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है, वर्ड्स में लेता है, टेक्स्ट में लेता है। तो इसको कन्वर्ट करके इसको देना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं हम डबल डॉट पार्स डबल, तो उसके बाद ये ब्रैकेट में हम ये लिखते हैं, सॉरी ये ब्रैकेट में ये जो वैल्यू हम ब्रैकेट में एंटर करते हैं, ध्यान रखना। तो माय डियर्स, हमने डिस्टेंस रिसीव कर लिया, अब हमने रिसीव करना है टाइम, तो मैंने उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो माय डियर्स, टाइम हम एंटर कर रहे हैं मिनट्स में और डिस्टेंस एंटर कर रहे हैं हम किलोमीटर्स में। तो टाइम को हमें आर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम किलोमीटर पर आर स्पीड निकाल सकते हैं। किलोमीटर पर आर निकालने के लिए तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप? स्पीड के लिए होता है, आपको फार्मूला पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम तो हमारे पास है मिनट्स में, तो इसको कन्वर्ट करना हमने आर्स में। तो आर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊपर डिस्टेंस है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, मींस रेसिप्रोकल हो गया। टाइम होता है ना, जैसे टाइम हमारा मिनट्स में है, उसको आर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा। टाइम डिस्टेंस अपॉन टी अपॉन 60, वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर 60 मल्टीप्लाई हो गया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि मैंने सिंपली बात है कि जो टाइम है मिनट्स में एंटर करवाना है, तो उसमें आर्स में कन्वर्ट करने के लिए डी को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई थिंक सो। उसके बाद जो स्पीड कैलकुलेट हुई है, वो मैंने स्पीड का जो लेबल बनाया था वहाँ पे सेट टेक्स्ट करना। आप ध्यान रखिए, जो सेट टेक्स्ट होता है वो स्ट्रिंग में होता है, तो अब मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम स्ट्रिंग में इस डबल को, ऐसे डबल में है तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। उस वेरिएबल का नाम रखा था मैंने डिस्टेंस, उस जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लगाया ना, यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करनी के डिस्प्ले करवानी है, इसका नाम मैंने चेंज वेरिएबल करके स्पीड कर दिया। तो यहाँ पे सेट टेक्स्ट करना है, तो सेट टेक्स्ट के लिए आप डिस्टेंस डॉट सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एस। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ऐसे एक डबल डेटा टाइप की वैल्यू है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना। पहले इतना चेक करते हैं कि हमारी स्पीड सही कैलकुलेट हो रही है या नहीं, आगे का काम हम बाद में करेंगे। तो स्पीड कैलकुलेटर वन मैंने बनाया था, इसको रन फाइल करते हैं। देखो, मैंने 30 किलोमीटर तय किए 30 मिनट में, तो मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए? ये मैंने डिस्टेंस डॉट सेट टेक्स्ट कर दिया गलती से, मुझे यहाँ पे करना था स्पीड, सॉरी उस वेरिएबल का नाम स्पीड था, स्पीड डॉट टेस्ट सेट टेस्ट करना था, वो गलती से हो गया था। लेट मी करेक्ट, दोबारा से रन करते हैं। स्पीड का सेट टेस्ट करना था, मैंने जो लास्ट में स्पीड कैलकुलेट करने के लिए लेबल लगाया था ना, उसका नाम मैंने स्पीड रखा था, और मैंने गलती से सेट टेक्स्ट डिस्टेंस को कर दिया था। अब चेंज करते हैं। माय डियर्स, मैंने 30 किलोमीटर तय किए 30 मिनट में, तो मेरी स्पीड क्या होगी? आप कैलकुलेट कर लीजिए। मेरे हिसाब से मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आर की है, क्योंकि एक मिनट में एक किलोमीटर तय कर रहा हूँ, तो 30 मिनट में 30 किलोमीटर पर आर कर रहा हूँ, तो एक मिनट में एक किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 30 मिनट में 30 किलोमीटर। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरी पर आर स्पीड, किलोमीटर पर आर की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आर है, तो मुझे यहाँ पे मेंशन भी करना चाहिए था। डिज़ाइन में मुझे स्पेसिफाई करना चाहिए था कि जो किलोमीटर पर आर होना चाहिए, स्पीड में लिखाना चाहिए किलोमीटर पर आर। तो मैं इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। कॉन्कैटिनेशन के लिए हम प्लस लगाते हैं, और साथ में मैं लिख देता हूँ किलोमीटर पर आर। आप सीख सकते, ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर पर आर। अब दोबारा से चेक करते हैं, तो क्लियर होना चाहिए ना, किलोमीटर पर आर में स्पीड निकाल रहे हैं, तो इट शुड लुक लाइक दैट। बच्चों, कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही आ रही है। मैं टोटल 2 किलोमीटर तय किए 15 मिनट में, तो मेरी किलोमीटर पर आर की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड है, 15 मिनट में 2 किलोमीटर तय किए, तो एक घंटे में मैं कितने किलोमीटर तय कर सकता हूँ आपके हिसाब से? 4 क्वार्टर होते हैं 15 मिनट के, तो 2 किलोमीटर एक
मिनट में आपने कन्वर्ट किए तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है। आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हम टाइम के साथ डिवाइड कर रहे हैं, टाइम मिनट्स में है। तो स्पीड अगर मैं 20 किलोमीटर 15 मिनट में देखता हूँ तो भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही आ रही है। कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ पे ज़रूर की है। तो ये पार्ट्स डबल में कन्वर्ट किया, डिस्टेंस डॉट गेट टेस्ट किया यहाँ पे। ये देखिए, ये गलती करती है हमने दोबारा से। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं उठाना था हमने, यहाँ से उठाना था टाइम। अब दोबारा से चेक करते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो हमने ये मिस्टेक कर दी थी। अब लेट मी चेक। अब मैं दोबारा से चेक करता हूँ। 30 मिनट, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आर की, अगर वो किलोमीटर मैंने 60 तय कर दिए तो 120 आना चाहिए, 120 आ रहा है। तो 2 किलोमीटर 15 मिनट में तय कर रहे हैं आप। देखिए 8 किलोमीटर पर आर की स्पीड में जा रहे हैं, बहुत स्लो है आपकी वो स्पीड। तो आपको 15 मिनट में कम से कम 20 किलोमीटर तो तय करने चाहिए थे। तो हमारी 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड है, तो स्पीड का खास ध्यान रखना बच्चों। छोटी छोटी मिस्टेक्स की थी हमने, जैसे देखिए जो टी में मैंने टाइम वाले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठानी थी और डी में मैंने डिस्टेंस के टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठानी थी। मैंने इसको कॉपी किया था, पेस्ट किया था, यहाँ से डी से टी तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं टाइम डॉट गेट टेक्स्ट करना भूल गया था। तो मैंने कैलकुलेटर बिल्कुल सही बनाया, स्पीड कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था भाई, कि वो जो रिमार्क्स में डिपेंड करता है, अगर 50 किलोमीटर पर आर से अधिक स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड है, तो हमें लिखना है कि ओवर स्पीड है, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ जो हमने अभी अभी स्पीड कैलकुलेट किया है वो एस में स्टोर किया हमने, ये वेरिएबल का नाम एस है, एस इज ग्रेटर देन 50, तो डिस्प्ले होगा जो हमने अभी रिमार्क्स का लेबल लगाया था, रिमार्क्स लेबल का नाम रिमार्क्स रखा था, तो सेट टेक्स्ट करना है, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, डायरेक्ट हमने टेक्स्ट में ही वैल्यू एंटर करनी है। यू आर ओवर, यू आर इन ओवर स्पीड। तो आगे जो भी आप रिमार्क्स देना चाहते हैं आपकी इच्छा है। एल्स इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यू आर सेफ, हैप्पी जर्नी। तो आप उसको कह दिया ठीक है भाई, सही स्पीड पे जा रहे हैं, हैप्पी जर्नी। तो उसके अकॉर्डिंगली सेट टेस्ट कर दिया, अगर 50 से ज़्यादा तो उसके हिसाब से हम रन करते हैं अभी इसको, सॉरी रन फाइल करेंगे। देखते हैं भाई, मेरी स्पीड है, मेरा किलोमीटर है, मैंने तय किए हैं 30 और मैंने टाइम सिर्फ 20 मिनट दिए हैं, और कैलकुलेट कर रहा हूँ 90 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा हूँ भाई, मैं बहुत ओवर स्पीड हूँ, मुझे थोड़ी स्पीड कम करनी चाहिए। 30 किलोमीटर नहीं, मुझे 20 मिनट में सिर्फ 10 किलोमीटर तय करने चाहिए। देखो तो ये मेरी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आर और मैं सेफ जर्नी पे जा रहा हूँ। ये आपको मिनिमाइज करके दिखा सकता हूँ, अगर मैं 100 किलोमीटर 20 मिनट में तय कर दिए तो भाई मुझे तो भगवान ही बचाए, 300 किलोमीटर पर आर की स्पीड में जा रहा हूँ, ये तो बुलेट ट्रेन की तरह जा रहा हूँ। तो बच्चों आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कैसे ये कैलकुलेट करना। मैं एक बार कोड आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये था हमारा स्पीड कैलकुलेटर और मैंने डी टी एस तीन वेरिएबल लिए। डी जो हमारा डाटा, डी में हमने डिस्टेंस वाला गेट सेट जो टेक्स्ट फील्ड लगाया था उससे वैल्यू ले रहा हूँ, टी में मैं टाइम वाले टेक्स्ट बॉक्स से टीम वैल्यू ले रहा हूँ, और स्पीड मैंने कैलकुलेट किया, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द फार्मूला। टाइम मैंने मिनट्स में एंटर किया, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आर्स में मैंने ऊपर डी को 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे ख्याल से टाइम को आपको मिनट्स को 60 से डिवाइड करना होता है, तो मैंने वो रेसिप्रोकल होता है होके ऊपर आ गया, तो उसके हिसाब से 60 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद बच्चों स्पीड को मैंने डिस्प्ले करवा दिया, सेट टेक्स्ट कर दिया, स्पीड का एक लेबल लगाया था यहाँ पे, ये स्पीड का लेबल है, और इसको सेट टेक्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, किलोमीटर पर आर उसके साथ कनकैटिनेट कर दिया, किलोमीटर पर आर का जो वैल्यू है उसको कनकैटिनेट कर दिया। उसके बाद मैंने कैलकुलेटर लगाया, इफ स्पीड 50 से अबव है तो मैंने एक मार्क्स का लेबल लगाया था, उसमें ओवर स्पीड प्रिंट करवाया, अदरवाइज मैंने हैप्पी जर्नी प्रिंट करवाया। और दोबारा से आप देख रहे हो, इसको रन करके देखा मैंने, तो ये था मेरी वेरिएबल,
इस वेरिएबल का नाम था डिस्टेंस, इसमें जो वैल्यू एंटर कर रहा हूँ वो एंटर कर रहा हूँ मैं 60, और मिनट्स मैंने लिए हैं सिर्फ 20, और ये वेरिएबल का नाम है स्पीड, और स्पीड में क्या डिस्प्ले होता है और यहाँ पे रिमार्क्स वाले लेबल में क्या डिस्प्ले होता है वो देखते हैं। 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड है और बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सेंस, थैंक यू वेरी मच।